जाने माने व्यवसायी और मीडिया महारथी रामोजी राव ने मीडिया को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाते हुए ईटीवी को एक और पायदान आगे बढ़ा दिया है। कल हैदराबाद में मीडिया जगत में तहलका मचाते हुए ईटीवी भारत मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ईटीवी भारत के ऐप का बटन दबाकर इसकी शुरुआत की। ईटीवी भारत मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की और रामोजी राव को बधाई दी। इस अवसर पर कई राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को बधाई दी, तो वहीं ईटीवी भारत की निष्पक्ष पत्रकारिता की तारीफ की और रीजनल मीडिया चैनल के क्षेत्र में ईटीवी की पहल की भी सराहना की। ईटीवी भारत देश की 13 भाषाओं में 29 राज्यों के 725 जिलों की खबरें एक साथ आप तक पहुंचाएगा। इंग्लिश से लेकर हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती से लेकर तमिल, तेलुगु तक हर शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरें आप लाइव देख सकेंगे।